शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के आधार पर झगड़े कराने के आरोप लगाए हैं और इन सबके बीच जिस तरह से धमकी लगातार भारत में किसी अनहोनी को लेकर मिल रही है, उसे लेकर संजय राउत का कहना है कि अगर देश में कुछ भी होता है तो भाजपा को जिम्मेदार माना जाएगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की गई, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर राउत ने कहा, देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, भाजपा प्रवक्ता दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच लड़ाई कराना चाहती थी। अगर देश में कुछ भी होता है तो भाजपा को जिम्मेदार माना जाएगा। हम अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन वो कब इन लोगों को संज्ञान लेंगे जो इन सब का कारण बन रहे हैं। शिवसेना नेता की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अलकायदा ने कथित रूप से भारत में कुछ गड़बड़ी करने की धमकी दी है। संगठन ने चेताया है कि दिल्ली, बॉम्बे और यूपी गुजरात में भगवा को अपने अंत का इंतजार करना होगा। देश में माहौल फिलहाल काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। इस बिगड़ते हुए माहौल के बीच संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को अगर देश में कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार अभी से ठहरा दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।